गुड इवनिंग। और शाम का टाइम है और देखो जय क्या कर रहे हैं मेरे बालों में। मैं अपने बालों को काट रही थी ना बाहर खड़े होके, तो बोलते ला तेरे बाल काट दूं। मैंने कहा मुझे नहीं कटवाने, तो बोलते हैं ला ला काट दूं, खराब हो गए। बोलते हैं पार्लर चली जा। मैंने कहा मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ, पार्लर जाने के बाद है ना मेरे बाल ना बढ़ते ही नहीं है, मुझे तो दूसरे के हाथों से ना एलर्जी होती है। तो बोलते हैं तो ला मैं काटता हूँ। और आज पहली बार जिंदगी में पहली बार जो है ना मेरे बाल काटे हैं, और ना बहुत अच्छे से काटे थे, लेकिन है ना मैंने जितने बोले ना उससे उनने ज्यादा काट दिए। बिल्कुल एक उंगली के बराबर उन्होंने मेरे बाल काट दिए थे। तो मैंने कहा आए राम तुमने मेरे बाल कितने छोटे कर दिए। तो बोलते हैं ठीक है अच्छे लग रहे हैं, कभी कभार ऐसे भी रह लिया कर। और आप जब भी बोलोगे ना तो बोलोगे दी आपके सोफे पे कपड़े पड़े ही रहते हैं, क्या करूं। और देखो यहाँ पर ये मैं साफ करके गई थी, ये जय और आरू का काम है। गाजर खा के सारा कूड़ा यहाँ करके गए हैं। और एक काम मैंने किया है पता है, अभी ये मैंने अभी वैक्स किया था तो ये पूरा सामान रखा हुआ है। अभी मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, तो इसकी जो वीडियो है ना वो मैं शेयर करूंगी अपने नेचुरल ब्यूटी विद चैनल पे, नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू चैनल पे। और क्योंकि मैंने लास्ट लास्ट टाइम जब मैंने वैक्स किया था ना तो मुझे काफी कमेंट आए थे कि दी आप ना रेमेडी शेयर करो कि आप किस तरह से वैक्स करते हो, घर पे किस तरह से वैक्स बनाते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरे हाथ है ना, कौन कहेगा कि मैंने घर पे वैक्स करके अपने हाथों को ऐसा चमकाया। अब मैं लगाऊंगी अपने हाथों में मेहंदी, और मैंने मेरे ये वाले कंगन पहने रेनू, और यहाँ पर है जय रेनू और जे वाला मैंने ये कंगन पहना है। तो अभी अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाई है और उसको अब मैं एडिट करूंगी, कल परसों तक मैं पहुंचा दूंगी। तो आप लोग कल या परसों जरूर चेक करना, और अगर मैं डालूंगी ना तो अपनी कम्युनिटी पे उस वीडियो को जरूर शेयर करूंगी। आप लोग देखना कि मैंने घर पे वैक्स कैसे बनाया और अपने हाथों में वैक्स कैसे किया है, क्योंकि काफी बाल है ना विजिबल हो रहे थे, वो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने आज है ना फाइनली वैक्स कर ही लिया। और ये देखिए हम, और ये हमारे पतिदेव हमारे हाथों में। तो चलिए अब मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया है, और कपड़े तो वो रहते ही हैं मेरे घर में, कहते ना घाट लगा रहता है कपड़ों का, तो वो है। और उससे पहले अभी मैं करने वाली हूँ अपने मिनिएचर वाले चैनल पे, यानी इंडियन मिनी फूड रसोई चैनल पे वीडियो को अपलोड। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखना, और वो वाली वीडियो है अनबॉक्सिंग की। मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर की है कि मैं अपने चैनल के लिए क्या क्या चीजें लेकर आई और कितनी सस्ती लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले मैं उस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, यानी अपलोड तो हो गई है, पब्लिश करनी है, पब्लिश कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसी टाइम पे ज्यादातर करती हूँ, शाम को 6, 6:30, 7, 8 यानी शाम का टाइम है। तो पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से आराम से मिलूंगी, अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। और चूड़ियां कैसी लग रही है वो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। जैसे ही ना मैं आपसे बातें कर रही थी, थोड़ी देर बाद मोलू बोला कि मुझे तो दूध रोटी खानी है, तो मैंने भी एक सेकंड गवाया नहीं, फटाफट से आटा लगाया और उसको मैं बना दूंगी दूध रोटी। क्योंकि है ना अगर वो मांगे और मैं ना दूँ ना, और उसने दूध पी लिया या बिस्किट खा लिए या कुछ ऐसी चीज़ खा ली ना, फिर वो नहीं खाता खाना। तो एक भी वक्त यानी एक भी मिनट गवाए हुए ना मैंने फटाफट से आटा लगाया, और उसको क्या है वो 2 रोटी खिला दूंगी आराम से, फिर वो है ना रात को चैन से सो जाएगा। वो दिन में 1 या 2 बार तो दूध रोटी खाता ही है, सब्जी रोटी भी खाता है, लेकिन सब्जी में बस थोड़ा सा आलू ले लेगा और बोलेगा मम्मी उसी से खिला दो, फिर बोलेगा तीखा लग रहा है, मिर्ची लग रही है। हालांकि मेरे सब्जी में ना बिल्कुल मिर्च नहीं होती है, और बिना मिर्च की सब्जी बना देती हूँ ना, लेकिन वो सब्जी देख के ही नाटक करता है कि मुझे तो मिर्च लग रही है, मुझे तीखा लग रहा है। तो बच्चों की तो आदत होती है, वो करता ही है ऐसा। और है ना उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले फटाफट से 2 रोटी बनाई और दूध गर्म करूंगी, उसको खिला दूंगी, और उसके बाद है ना हम लोग कहीं जाएंगे तो मैं आपको लेके जाऊंगी। क्योंकि अभी तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, मैंने आटा भी थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था कि शाम को भी है ना, अभी 6, 6:15 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मुझे ना रात को तो खाना बनाना ही है तो ये आटा उस वक्त काम आ जाएगा। लेकिन है ना जय यहाँ पर आए और अभी ऐसे ही बातें चल रही थी हमारी, और उन्होंने मेरे पूरे प्लान को ना फेल कर दिया। सोचते कुछ है होता कुछ है, और मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। और क्या क्या अभी हम लोगों ने ना शाम को थोड़ा नाश्ता भी कर लिया था, तो पेट भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। तो फिर है ना आज पता नहीं क्यों उनका मन हो गया, बोलते हैं कि चल तुझे बाहर ले जाता हूँ कहीं। तो मैंने कहा चलो भैया मैं तो खुश रह जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी घर में रह रहे कि बोर हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत कहीं जाने मिले तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर मैं मोलू के लिए दूध रोटी बना रही हूँ, और मैं अभी उसको खिलाने के लिए ले जाऊँगी। और पता है मैंने उसको बोला कि मैं खिला दूँ अपने हाथ से, तो बोलता है नहीं मैं अपने हाथ से खाऊँगा, मुझे चम्मच भी छूने नहीं दे रहा है, और वो इसी तरह से बैठ के खाता है खाना।
पूरा गहने ये जो कपड़ा है ना वो इसी का है, मोलू का, अपने पैरों पे बिछा पहले लेता है। मम्मी के हाथ और से खाना था, अब पापा के हाथ से खाना है। मोलू पानी किससे पीता है? मुंह से बोलो, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? हर्षा। हसो हसो कि स्ट्रो? बोलो स्ट्रो। हाँ हचो हचो से लाना मम्मी पानी। हचो से हचो ही नाम नहीं, स्ट्रो स्ट्रो हचो स्ट्रो। ए डकार आ गई बोलू को। तो पूरी फिनिश कर देना ठीक है, इट्स ए गुड बॉय है। अरे पूरी फिनिश कर दो, तो डकार आने से थोड़ी ना पेट भर गया, वो तो आती रहती है बच्चों को। तो दूध दूध पी लो उसमें से, बेटा। वो उसको तो दूध दूध रोटी सब काटती है पता है। देखो देखो कहाँ बैठी है, देखो आपको दिख रही है, देखो वो दो बिल्ली के दो कान दिख रहे हैं। ए बिल्ली चेहरा दिखा अपना। मोलू किससे पानी पी रहा है? मोलू किचे पानी पी रहा है? किचे पानी पी रहा है? मुझे बोलो। किचे पी रहा है? देखो पानी तो पूरा फिनिश कर दिया। और किचे पी रहा है पानी? किचे पी रहा है? किचे पी रहा है बता ना, फिर दाऊंगी स्ट्रो। पहले बोल इसका नाम क्या है? अच्छा ग्लास हटा के बोलो। अच्छा 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 अब मोजे पहन के बैठा है, पूरे दिन में मोजे नहीं पहनता है। और पानी लेने गया अभी। तो पता है अभी मैं खाना बनाने जा रही थी और जय ने क्या कहा बोलते हैं कि चल तुझे मैं आज पकौड़ी खिला के लाता हूँ। आज तो पता नहीं कहाँ से सूरज निकला है भैया, बोलते हैं चल पकौड़ी खिला के लाता हूँ। बोलते हैं मुझे रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैंने कहा तो रोटी नहीं खाओगे तो क्या करोगे? बोले चावल बना ले। तो मैंने कहा मैंने तो अभी आटा लगाया, क्योंकि मोलू ना वो जब भी रोटी मांगे ना कि मम्मी मुझे दूध रोटी चाहिए, तो मैं ना पता है एक सेकंड की भी देरी नहीं करती हूँ, फटाफट से आटा होता है तो नहीं होता है तो उसके लिए रोटी बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट से आटा लगाया, उसको रोटी बना के खिला दी। अब वो टेंशन, मैं टेंशन फ्री। आरो देखियो बेटा, अब मैं टेंशन फ्री कि वो खा पी के फ्री है। और आरू स्कूल से आई पापा के साथ, तब उसने खा ली और अभी फिर खा लेगी। और आज मैं जा रही हूँ पकौड़ी खाने, यानी पानी पूरी खाने, क्योंकि मैं पकौड़ी बोलती हूँ ना तो काफी मेरे व्यूअर हंसते हैं कि पकौड़ी बोलते हो, तो गुजरात में ना पानी पूरी को पकौड़ी बोलते हैं, तो मेरे मुंह से पकौड़ी ही निकलता है। और गोलगप्पे या फिर पानी पूरी मेरे मुंह से नहीं निकलता, पकौड़ी निकलता है। तो चलो पकौड़ी खा के आते हैं और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ हमारे बाजार में। चले चलो चलो चलो, मैंने दुपट्टा ले लिया, अपनी जैकेट पहन ली वाली, और लाइट बंद कम है, मेरी चप्पल वहां लगाना पड़ेगा ताला। ये पहन लेती हूँ चप्पल अपनी। हाँ बेटा ताई नहीं, ताई गांव में नहीं, वो गांव में रहने जाएंगे बेटा, जब तक उनके आलू खोदेंगे तब तक। चलो आओ, वो पहले पहुंच गया पता है मुझसे भी। और ये वैक्स के कपड़े सूख रहे हैं, मैंने आज वैक्स किया ना तो उसके कपड़े सारे सूख रहे हैं यहाँ पे। चले लॉक तो लो, सुनो लॉक 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 लॉक, ताला 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 ताला। आज बड़े खुश हो रहे, तुझे पकौड़ी खिला के लाता हूँ। नहीं लगा के चलो, बाल बंद कर देना। और देखो मेरी स्कूटी पे किसका नाम लिखा है, आरवी, मेरी डॉटर का नाम लिखा है। मेरी हर चीज पे इसका नाम होता है आरू का। मोलू का किसी पे नहीं है। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं हमारे वहाँ के बाजार में, और है ना हमारे पड़ोसी मिल गए थे तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। उसके बाद हम लोग खाएंगे पकौड़ी और आप लोगों के मुंह में भी पानी आएगा ना, क्योंकि ये जो पकौड़ी चीज़ है ना, इसको देख के ना अगर हम किसी और को खाते देखते हैं ना तो हमारे भी मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से पकौड़ी खा लेती हूँ और आप लोग सुनिए म्यूज़िक।
ना काफी सारी साड़ियां मुझे दिखाई और बाहर भी देखी, लेकिन मुझे ना सब हैवी हैवी साड़ी दिखा रहे थे। मैंने कहा भैया मुझे कोई हल्की पुल्की सी साड़ी दे दो जो कि मैं डेली वेयर में पहन सकूं। तो उन्होंने फिर मैं ना मुझे हल्की हल्की साड़ी दिखाई, एक ये ग्रीन वाली मुझे अच्छी लगी और आज अब अच्छी लग रही है वीडियो में, तो मैं सोच रही हूँ उसको ले ऐसे लूं। उजाला अच्छे से नहीं आ रहा है, बर्तन लगा रही हूँ और कुछ काम नहीं है क्योंकि मोलू ने दूध रोटी खा ली थी, आरू हमारे साथ मैगी खा लेगी और तीन बंच बन रहे हैं, उस तीन बंच में हम तीनों खा लेंगे यानी चारों खा लेंगे क्योंकि अब भूख ज्यादा बची नहीं है। और जो आटा मैंने लगाया था ना अब वो उठा के रख दूंगी और वो सुबह काम आ जाएगा। मैंने तो आटा इसलिए लगाया था कि सब लोग खाना खा लेंगे तो साथ में लगा लेती हूँ, लेकिन पूरा प्लान ही फेल हो गया। सोचा कुछ हुआ कुछ डूबेंगी नहीं, वो अपने आप गलने तो दो, पानी तो गर्म होने दो। अरे पानी गर्म तो होने दो, अपने आप हो जाएंगे। बच्चे आटा अच्छे से इसको सेट करके रख दो फ्रिज में। तो बस यहाँ पर हमारी मैगी बन रही है, आटा मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया और मैगी वगैरह खा चुके और बस अभी फ्री होकर टीवी देख रहे थे हम लोग। मैंने कहा आज तो ना बस फ्री मूड है, आज है ना पता नहीं दिन कैसा गया, काफ़ी अच्छा आज टाइम गया कि कुछ करना ही नहीं था, रिलैक्सिंग वाला जो होता है ना टाइम बस वो। तो चलिए मैं टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो हम लोग है ना मैगी वगैरह खा ली, सब हो गया, बर्तन वगैरह सब हो गए। अभी बैठ के ना मैं अपने नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू चैनल के लिए ना रेमेडी की वीडियो मैंने बनाई है तो उसी की एडिटिंग कर रही थी, मेरी एडिटिंग भी हो गई। और अभी ना ये वैक्स की जो वीडियो मैंने बनाई ना वो मैंने शेयर की है, तो आप लोग जरूर देखना कि मैं घर पे वैक्स कैसे बनाती हूँ और कैसे अपने हाथों में वैक्स करती हूँ। और आप लोगों को मेरे हाथ तो दिख ही रहे हैं कितने। और देखो एक चीज और है कि वैक्स करने के बाद कुछ भी हाथों में प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ना, तो देखो मैंने शाम को किया था और अब रात हो गई है और अभी भी मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, कोई दाने नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग भी इसी तरह से वैक्स बना सकते हो घर पे और आसानी से। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, पैसों की बहुत बचत होती है, तो वो हम सब लेडीज को ना करना चाहिए। और हम लोग है ना अभी आराम से बैठ के ना टीवी देख रहे हैं, हम लोग नहीं सॉरी मैं आराम से बैठ कर ना यहाँ टीवी भी देख रही हूँ और अभी अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर रही थी। अब एडिटिंग कंप्लीट हो गई ना तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मूवी देख रही हूँ ना साउथ की, क्या नाम है, द फाइटर मैन सिंघम कोई भी मूवी है, साउथ की है डबिंग हिंदी, तो वो मैं देख रही हूँ। और मुझे साउथ की मूवी ना बहुत अच्छी लगती है जो हिंदी डबिंग होती है वो। और आज मेरे देखो जय ने बाल काट दिए, कितने छोटे बाल हो रहे हैं मेरे, जय ने मेरे बाल काट डाले सारे, यहाँ तक आ रहे हैं। तो अभी ना बस मुझे वीडियो को एंड करना था और मैं भूल गई थी। और हाँ उससे भी अच्छी बात पता है, मुझे आप लोगों को साड़ी दिखानी थी, जय ने मेरे बाल काटे उसके बाद में ना मुझे साड़ी भी लाने ले गए थे। इतने छोटे बाल होंगे तो अच्छे लगे ना वैसे, लेकिन इतने छोटे नहीं है, लंबे काटे हैं लेकिन पूरे नहीं काटे, इतने इतने काट दिए, इतने इतने, ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, कितनी मेहनत से तो बढ़ाते हैं हम लोग। अरे 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 चलिए निकालो करे, तो एक मिनट। तो देखो ये है वो साड़ी, क्योंकि मैं ना ये तो मुझे बहुत हैवी वाली दिला रहे थे, फिर वही है कि हैवी ले लेके रख लेती हूँ पहनती हूँ नहीं, तो मैं ये सिंपल सी एक साड़ी लाई हूँ और इसको मैं कराऊंगी तैयार, बस ये इस तरह से ही है और अच्छी लगेगी ना क्योंकि मेरे पास है ना डार्क कलर की साड़ियाँ बहुत कम है और आजकल ना इस कलर पे ना मेरा बड़ा दिल आया हुआ है। तो इस तरह की ये साड़ी है, कुछ फूल की प्रिंट है इसमें और ज्यादा की नहीं है, कितने की थी शायद 350 की या 400 की, बस इतनी सस्ती थी, ज्यादा महंगी साड़ी मैं नहीं लाई। ये रोज पहनने के लिए काफी अच्छी है और ये कलर है ना खिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे मायने नहीं रखते, चीज है ना हमारे ऊपर खिलनी चाहिए। आप लोग बताना साड़ी कैसी लगी डेली यूज के लिए, मुझे अच्छी लगी, कभी कभार गर्मी में मन करे ना तो चलो पहन लो, तो आप लोग बताना साड़ी कैसी लगी मुझे। और चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आज इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। और ज्यादा जोर से बोलूंगी ना तो आरू मोलू जय तीनों सो रहे हैं नहीं तो जग जाएंगे और मैं किसी को भी जगाना नहीं चाहती। पूरे दिन में ना मुझे आज ये टाइम मिला है अपने लिए, तो इस टाइम को मैं एंजॉय कर रही हूँ मूवी के साथ और आप लोगों के साथ। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज और सबा खैर और क्या बोलते हैं, बाय बाय और क्या बोलते हैं, नमस्ते। तो चलिए सारी चीजें मैंने बोल दी, कुछ रह गया हो तो पता नहीं, तो बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं। और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो आजकल,
लाइक कर देना। सो बाय बाय।